दमोह नगर के पीड़ित रवि जैन परिवार के साथ जैन समुदाय ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। शहर दमोह के पुराना थाना क्षेत्र में रह रहे पूर्व पार्षद रवि जैन के घर पहुंचकर कुछ उपद्रवी तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। जिस समय यह घटना हुई थी उस वक्त रंग पंचमी के दिन शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता और खास इंतजाम किए गए थे। इसके बाद भी उपद्रवी तत्वों ने रवि जैन के घर में घुसकर मारपीट की थी। पीड़ित परिवार के साथ जैन समुदाय ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि प्रेस पक्षपात कर रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी वैसी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है जैन समुदाय में। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा निवेदन ये है सर, 12 तारीख को मेरे एक शर्मनाक घटना हुई है। अभी तक इस टाइप की घटना है, अभी तक तो हम लोग मर्डर, पैसे छुड़ाना, दुकान में लूटपाट ये झेलते आए थे। अब घर में घुस के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अभद्रता की जाए तो हम लोग बड़े शर्मनाक है सर। हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि शहर में ही अभी हम लोग का भी, मैं खुद पीड़ित रहा हूँ। मैंने शिकायत भी की है इन लोगों की, पहले 12 साल पहले एक मेरे समाज के लड़के का मर्डर भी हुआ था। उसके मामले में भी इन लोगों का कुछ नहीं हुआ, मुख्य अभियुक्त था। उसके बाद मेरे पर्सनल सामने मैंने एक लड़के को बचाया तो उसने मुझसे गाली गलौज की। आए दिन पैसे छुड़ाते हैं लोगों से। तीन उसी दिन भी मैंने जो मुझे ये भी पता चला है, वो तो इतने डरपोक लोग हैं इस शहर के, डरने लगे हैं प्रशासन की निष्क्रियता से कि वो पैसे छुड़ाए जा रहे हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट करने नहीं आ रहे। घर में घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता करना, मतलब छेड़छाड़ करना, उनके ऐसे अंगों को छूना, और उसकी बात हम कंप्लेंट करवाने में खुद गया तो पुलिस कंप्लेंट नहीं करके उनको ही, उनके भी तीन लोग वहीं बैठे पहले ही से। हमें उसमें आप वीडियोग्राफी आप निकाल दीजिए, अपने उसमें कैमरे में देख लीजिएगा वो तीन लोग उधर क्या कर रहे हैं थाने में बैठ के। पीड़ित हमें रिपोर्ट हम कराने जा रहे हैं, वो लोग पहले से बैठे। सर उनको वीडियो वायरल भी हुआ, गिरफ्तार हुए थे दोनों की, आज जमानतें भी कर दी गई। धाराएं नहीं लगाई, धाराएं नहीं लगाई। भैया क्या बता बेटा, क्या हुआ? मेरा नाम पंकज जैन है और मैं महावीर वार्ड क्रमांक 22 का निवासी हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से लगभग 7-8 महीने पहले जुलाई माह में एक घटना हुई थी कि मेरे दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर इनमें से कुछ अपराधियों ने गंदी गाली गलौज करना चालू किया था, तो जिसका विरोध करने पर इन्होंने हमारी दुकान में तोड़ की थी, मेरी ये उंगली काट दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें सामान्य धाराओं में इनके ऊपर प्रकरण दर्ज करके इन्हें जमानत दे दी गई थी। और उस प्रकरण के बाद से लगातार ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमारे साथ राजीनामा करो नहीं तो जान से मार देंगे। और जब हमने राजीनामा करने से इनकार कर दिया तो इस प्रकार से हमारे घर पर हमारी महिलाओं के ऊपर हमला करके हमें ये संदेश देने की कोशिश की कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर हमारे विरुद्ध किसी कार्रवाई की कोशिश की तो हम वो कर दिखाएंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हर प्रकार से पुलिस का इतना संरक्षण है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये जानते हुए कि पुलिस आने वाली है उसके बावजूद किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सूरज चौरसिया, सत्यम चौरसिया और लकी चौरसिया, शुभम चौरसिया, विक्रम ठाकुर और अस्सु चौरसिया और अन्नू चौरसिया खुचई, मुख्यतः ये अपराधी थे जो इन्होंने एक राय होके घर के अंदर घुस के हमला किया था। में से एक दो लोग आ जाएं, आपके समाज की एक दो समस्याएं बड़ी गंभीर हैं जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि आप लोगों का सिर झुक जाएगा। मैं उस पे एक दो लोगों से, जिम्मेदार लोगों से बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं इन्हीं से बात करूंगा। आप ही के इसी जिले की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। कल मेरे आँख से आंसू निकल आए थे, उसी समय ये शिकायत आई थी, मैं थाना प्रभारी को बोला था, मैं CSP को बोला था। आप निश्चिंत रहें, हम कार्रवाई करेंगे, और जो भी चीज़ यदि बिगड़ी है तो आज की बिगड़ी नहीं है, उसमें भी टाइम समय लगा है, सुधारने में भी टाइम लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने की, और बेहतर से बेहतर करेंगे। जी सर बताएं, आज जिस जैन समाज के लोग ज्ञापन देने आए थे किस संबंध में और क्या बात हो गई? 12 तारीख को कोतवाली अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हुआ था। उस घटना की थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध, थाना कोतवाली द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है और उसमें जो भी है विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। आज जैन समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दिया जिसमें उनका कहना है कि
इसमें विधि संगत कार्रवाई की जाए। विधि संगत कार्रवाई पूर्व से ही की जा रही है, प्रकरण का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा परीक्षण किया जाएगा और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप है कि पुलिस ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जिन्होंने घर में आके हमारे साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने भी धाराएं नहीं लगाई। उनका कहना ही गलत है कि संरक्षण, पुलिस किसी को संरक्षण नहीं देती है, बल्कि जो नियमानुसार कार्रवाई करती है, यदि उनके कहे अनुसार धाराएं नहीं लगी तो उसका परीक्षण उपरांत उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इतने दिन गुजर जाने के बाद कितने आरोपी अपनी हिरासत में लिए वो विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है उसमें।